आज हम आए हैं नंदनवन रोड स्थित जो है द डिलाइट बारबेक्यू फैमिली रेस्टोरेंट में। हम देखेंगे कि यहाँ क्या खासियत है। यहाँ पे जो है लोग जो है यहाँ आते हैं, यहाँ का खाना हमने सुना है बहुत ही टेस्टी रहता है। देखते हैं कि बारबेक्यू द डिलाइट बारबेक्यू की क्या खासियत है, यहाँ पे किस तरह का खाना जो है परोसा जाता है। और चलिए आइए देखते हैं अंदर जाके कि किस तरह से यहाँ पे कौन सी चीज़ें जो है खाने मिलती है, और हम आपको बताएंगे कि यहाँ क्या क्या मिलता है। जो भी मतलब खाने के शौकीन है, फूडी लोग हैं, उनके लिए खास है कि क्या क्या यहाँ मिलेगा। आप देखते रहिए, हम बताते हैं अंदर जाके कि यहाँ क्या है। यहाँ पे काफ़ी सारे लोग भी हमें दिखाई दे रहे हैं, उनसे भी यहाँ के रिव्यू लेंगे कि किस तरह का टेस्ट है यहाँ का। तो चलिए अंदर। शहर के नंदनवन रोड स्थित द बारबेक्यू डिलाइट फैमिली रेस्टोरेंट ऐसा रेस्टोरेंट है जहां पर वेज और नॉन वेज डिशेज की कई रेंज अपने ग्राहक को परोसी जाती है। साथ ही ग्राहकों की खास मांग पर कई स्पेशल डिशेज बनवा कर भी दी जाती है। यही नहीं, यहां की हॉस्पिटलिटी की अगर बात करें तो वाकई ही काबिले तारीफ है। ये हम नहीं कह रहे, ये बात तो यहाँ पर आए हुए ग्राहकों की जुबानी है। तो चलिए सुनते हैं ग्राहकों की जुबानी। हमारे साथ कुछ यहाँ आए हुए ग्राहक हैं, उनसे हम जानेंगे कि किस, वो मुझे लगता है शायद फैमिली के साथ दिखाई दे रहे हैं। ये फैमिली रेस्टोरेंट है तो ऑब्वियसली आप यहाँ फैमिली के साथ आ सकते हो। कोई फंक्शन हो, बर्थडे पार्टी हो, वो भी यहाँ सेलिब्रेट कर सकते हो। यहाँ पे जो हमें दिखाई दे रहे हैं उनसे जानेंगे। एक्सक्यूज मी सर, हेलो सर, क्या बताओगे आप बारबेक्यू में आए, पूरे फैमिली के साथ आए हो, क्या बताओगे कैसा लग रहा है? टेस्ट अच्छा है मैम, आपका सर्विस भी अच्छा लग रहा है, और इससे पहले भी इनके यहाँ पे खाया हमने, काफ़ी अच्छा। खाने का टेस्ट अच्छा है, सर्विस भी अच्छी है। सर्विस अच्छी है, टेस्ट भी अच्छी है। हाँ, पार्सल फैसिलिटी भी अच्छी है, और कोरोना के गाइडलाइंस भी यहाँ पे स्ट्रिक्टली ये होते हैं। हाँ, वेरी गुड रेस्टोरेंट है, नाइस टेस्ट है यहाँ। हम लोगों ने बहुत नाम सुना है इस रेस्टोरेंट का, इसलिए आज यहाँ पे आए हैं टेस्ट चेक करने कैसा क्या है। यहाँ का नॉनवेज बहुत अच्छा लगा, मैं दोबारा आऊँगा। हमने यहाँ के जो कस्टमर है, यहाँ जो खाना खाने लोग आए, उनसे उनके रिव्यू जाने हैं कि किस तरह की यहाँ की सर्विस है, यहाँ का खाना किस तरह का है। आपने तो उनकी ज़ुबानी सुन ही ली है कि यहाँ का खाना भी टेस्टी है, यहाँ की सर्विस भी अच्छी है, और हाइजेनिक फूड जो है यहाँ पर परोसा जा रहा है। कोविड के बाद जो है नॉर्मली जो भी फैमिली बाहर खाने जाती है, इसका पूरा ध्यान रखती है कि जो होटल ऐसा हो जहाँ हम खाना खाने जा रहे हैं वहाँ पे पूरी तरह से हाइजीन हो, कोरोना के जो प्रोटोकॉल्स दिए गए उसका भी पालन हो। और आप देख पा रहे हो यहाँ पे एक टेबल छोड़ के दूसरे टेबल पे जो है बैठाया गया है जो भी कस्टमर आ रहे हैं, और यहाँ पे जो कोविड की पूरी गाइडलाइंस दी गई उसका जो है पूरा पालन किया जा रहा है। और इसी के साथ यहाँ का खाना तो अच्छा है ही, हमने यहाँ के ग्राहकों से जाना है। तो चलिए, और भी यहाँ ग्राहक होंगे, उनसे हम जानेंगे और यहाँ के जो रिव्यू है वो लेंगे। तो आप भी यहाँ आइए और यहाँ का खाना ज़रूर टेस्ट कीजिए। मैं पहिल्यांदा आलो इथे, आणि साफ स्वच्छता चांगली आहे, आणि सर्व वेटर्स पण चांगले आहेत, कोऑपरेटिव आहे, आणि टेस्ट पण चांगली आहे। वन ऑफ द गुड सर्व्हिसेस हियर अँड वन ऑफ द फॅबुलस टेस्ट, गुड टेस्ट, अँड वी सपोज टू यूज फ्रॉम लॉट ऑफ 4 months हियर, वन ऑफ द गुड टेस्ट अँड बेसिकली फॉर द बारबेक्यूज ऑल द आयटम्स अँड फंटॅस्टिक्स, बेसिकली सर्व्हिस इज व्हेरी गुड, अँड वी यूज टू एन्जॉय द लॉट ऑफ थिंग्स, स्पेशली पनीर टिक्का हियर। आय थिंक आय सजेस्ट ऑल दोज थिंग्स कम अगेन अँड अगेन अगेन अँड अगेन। मी अँड माय फॅमिली ऑलवेज एन्जॉय, माय बेबी ऑल्सो एन्जॉय, माय वाईफ ऑल्सो एन्जॉय, इज अ गुड टेस्ट। अभी हमने देखा कि रिव्यूज़ तो हमने सुना है, यहाँ जो है एक फैमिली आई है बर्थडे सेलिब्रेट करने, और हमारे साथ बर्थडे गर्ल है, हम उनसे भी जानते हैं। क्या बताओगे, आपका बर्थडे जो है यहाँ सेलिब्रेट हो रहा है, क्या हम हमेशा आते हैं और यहाँ का टेस्ट और हाइजीन सब अच्छा होता है, सो वी रेफर दिस रेस्टोरेंट ओनली। एंड मतलब बहुत अच्छा लगता है, यहाँ पर आते हैं एकदम शांत है, एकदम क्लीन एंड हाइजीनिक है, तो मतलब हम आपको भी प्रेफर करेंगे कि आप यह रेस्टोरेंट में आकर टेस्ट जरूर करिए। थैंक यू। हाय, आम्ही इथे बर्थडे सेलिब्रेट करायला आलो आहे आणि कमीत कमी 2 ते 3 वेळा जस्ट आता स्टार्ट झाला आहे, बट इथची जे सर्विस आहे ते खूपच छान आहे आणि टेस्ट इतकी गुड आहे की काही सांगू नका, आणि सगळं हायजीन मेंटेन आहे त्याच्यामुळे, सो आम्हाला इथे यायला खूप आवडते आणि आम्ही इथचे कंटिन्यू कस्टमर आहे।
थैंक यू। द बारबेक्यू डिलाइट फैमिली रेस्टोरेंट में कुल मिलाकर विभिन्न प्रकार के देसी व्यंजनों के साथ साथ इंडियन चाइनीज, साथ ही साथ बारबेक्यू स्पेशल वेज, सीजलर वेज, कबाब, वेज टिक्की, बिरयानी यहाँ की खास स्पेशलिटी है। यही नहीं, नॉन वेज की कई वेरायटी भी ग्राहकों को परोसी जाती है। हमने अभी जाना, कस्टमर के रिव्यू जाना, यहाँ का फूड जो है बहुत ही अच्छा है, खाना अच्छा है। यहाँ किसी को पनीर टिक्का पसंद है तो किसी को नॉन वेज पसंद आ रहा है। यहाँ पूरे लोग जो है फैमिली के साथ आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ जो है पूरा हाइजीनिक फूड परोसा जा रहा है, और साथ ही साथ यहाँ की सर्विस भी बहुत अच्छी है। हमारे साथ स्टाफ मेंबर है प्राची, उनसे हम जानेंगे कि क्या बताओगे, ये जो है बारबेक्यू द डिलाइट कब से शुरू हुआ है, ग्राहकों का प्रतिसाद किस तरह से मिल रहा है? एक्चुअली 1 ईयर से स्टार्ट है, अभी 1 ईयर दिसंबर 4 दिसंबर को 1 ईयर कम्प्लीट हो गया है मैम। एक्चुअली रिस्पॉन्स बहुत ही अच्छा है, कस्टमर बहुत यानी ज़्यादातर इसमें आते हैं, बहुत हैप्पी होके जाते हैं। हमारे यहाँ वेज और नॉन वेज दोनों फूड अवेलेबल है, हम हाइजेनिक प्रोडक्ट ही यूज़ करते हैं, यहाँ पे अनहाइजेनिक कुछ नहीं, इसलिए हमारे यहाँ कस्टमर आते हैं। और ऊपर से हमारा स्टाफ पूरा एजुकेटेड है, वेल एजुकेटेड स्टाफ है पूरा यहाँ पे, और सब यहाँ पे हाइजेनिक प्रोडक्ट ही यूज़ होते हैं। क्या बताओगे कौन सी डिमांड, मतलब कौन से फूड को ज़्यादा डिमांड है कस्टमर द्वारा, या ऐसी स्पेशल डिश जो कस्टमर की मांग भी है और आपकी स्पेशलिटी भी है? स्पेशलिटी यानी तंदूरी चिकन वगैरह जो है स्पेशलिस्ट, कबाब, तंदूरी चिकन, वेज और नॉन वेज में ये सब सारे डिशेस यहाँ से अवेलेबल होती है और कस्टमर को पसंद आती है। बहुत से कस्टमर ऐसे हैं जो रेगुलर है मैम, जो रेगुलर में आके लेके जाते हैं, जैसे दाल तड़का हो गया स्पेशलिस्ट में, रेगुलर हमारे कस्टमर है। जो वेज और नॉन वेज में एकदम स्पेशलिस्ट है होटल, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत यानी सर्विस भी इतनी अच्छी है कि कस्टमर हैप्पी होके ही जाता है। बिल्कुल, कस्टमर जो है कोविड के बाद जो है जैसे मार्केट खुल गया है तो लोग बाहर निकलना शुरू कर रहे हैं, और उनकी एक डिमांड रहती है कि हमें हाइजीनिक के साथ साथ जो है कोरोना का जो मतलब प्रोटोकॉल्स दिए गए वो गाइडलाइंस का भी पालन हो, मतलब भीड़ ना हो जहां हम बैठे हैं, हमारे फैमिली के साथ जा रहे हैं, बच्चे साथ रहते हैं, तो उस तरह की प्रिकॉशंस यहाँ किस तरह ली जा रही है, क्या बताओगे? एक्चुअली मैम हम मास्क खुद हम अवेलेबल करके रहते हैं, हमारा स्टाफ देख लो, स्टाफ में सभी कस्टमर है, सभी जो स्टाफ है वो सब मास्क लगा के है, सैनिटाइजर यूज़ होता है मैम यहाँ पे, कंटिन्यू हम सैनिटाइज करते हैं, 2 से 3 बार हमारे होटल में सैनिटाइज होता है। ऊपर से हमारा हर स्टाफ, किचन रो या बैक साइड में रो या फ्रंट साइड में जो भी स्टाफ है, वी विदाउट मास्क रहता ही नहीं है मैम। और एक्चुअली हम कस्टमर को वो ही प्रोवाइड करते हैं कि आप भी मास्क लगा के आइए, सोशल डिस्टेंस मेंटेन कीजिए, क्योंकि कोरोना का कोविड का सेक्शन चालू है। द बारबेक्यू डिलाइट फैमिली रेस्टोरेंट के ओनर अमरीश ठोरे बोले, हमारा उद्देश्य सिर्फ पैसा कमाना नहीं है, लोगों को संतुष्ट करना है। आइए जानते हैं क्या कहना है अमरीश ठोरे इनका। हमारे साथ द बारबेक्यू डिलाइट फैमिली रेस्टोरेंट के जो ओनर है वो है, उनसे जानेंगे। सर क्या बताओगे कि ये जो नंदनवन रोड है, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे तो हमने रेस्टोरेंट देखे, लेकिन आपका जो रेस्टोरेंट है यहाँ काफ़ी रश भी दिखाई दे रही है, क्या बताओगे इसकी इस्टेब्लिश कैसे किया गया, क्या इसके पीछे का ये था यहाँ पे इस्टेब्लिश करने का, और कब से इसकी स्थापना हुई? एक्चुअली मेरा होटल मैनेजमेंट हो चुका है, और मैं 2003 में मैंने होटल मैनेजमेंट अपना डन किया है, और उसके बाद में मेरा एक एम था, एक फोकस था कि लोगों को अच्छा खाना खिलाना और एक अच्छी सर्विस देना। तो बेसिकली मेरा कैटरिंग का बिजनेस है, मैं कैटरिंग में अच्छा सर्विस देता हूँ, अच्छा खाना सर्व करता हूँ, और लोगों को लोग काफ़ी पसंद करते हैं। इसके बाद में मैं कोरोना के बाद में थोड़ा कैटरिंग का बिजनेस स्लो हो गया था, स्लो होने के बाद में फिर मैं रेस्टोरेंट स्टार्ट किया। पहले मेरा रेस्टोरेंट पाउंचर के अपोजिट में था, द बारबेक्यू डिलाइट करके, मेरा मेन फोकस बारबेक्यू है, यानी कस्टमर को एक अच्छा बारबेक्यू यहाँ पर मिलना चाहिए, और कस्टमर वहाँ पर भी मेरे बने हुए थे कस्टमर, अभी वो जगह कुछ यानी हमारी पर्सनल कुछ ये था, वो पार्टनरशिप फॉर्म था, अभी मेरा सिंगल ओनर है, तो मैं वहाँ से यहाँ शिफ्ट किया, और एक अच्छे एम्बियंस के साथ में और एक अच्छा फूड के साथ में मैं कस्टमर को सेटिस्फाइड करना चाहता हूँ, और मेरा एक एम पैसा कमाना नहीं, ताकि कस्टमर सिर्फ सेटिस्फाइड होके जाए यहाँ से, और एक अच्छा फील यानी जाता कि उनको एक बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, कुछ भी एक फंक्शन होता है वो यहाँ पर एक जस्ट लाइक होम लाइक ऐसा फील होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। जैसे तो
आपने बताया यहाँ के कस्टमर का भी रिव्यू हमें मिला है कि हमें यहाँ पे मतलब हमारे घर जैसा लगता है या हमारा खुद का लगता है, क्या बताओगे यहाँ की स्पेशलिटी क्या है? या ग्राहकों द्वारा जो है, जो कंटिन्यू ग्राहक आपके आते हैं हमेशा के लिए जुड़े हैं, और उनकी क्या मांग रहती है कि एक स्पेसिफिक ऐसा रहता है ना, ये डिश हमें चाहिए और ये यही मिल सकती है, एक भरोसा भी रहता है, तो इस बारे में क्या बताओ? हमारे कस्टमर मोस्टली बारबेक्यू स्पेशल हमारा वेज होता है वो पसंद ज़्यादा करते हैं। उसके बाद में जो सीजलर होते हैं, सीजलर मोस्टली ज़्यादा पसंद करते हैं, और बारबेक्यू में हमारे यहाँ पर जो टिक्का होता है, कबाब होते हैं, वो बहुत अच्छा पसंद करते हैं कस्टमर को। मैंने वो मोस्ट प्रोबेबली कस्टमर यहाँ पर बारबेक्यू के जो टिक्केज है, बिरयानी है, ये खाने के लिए यहाँ पर आते हैं। हम देख रहे हैं कि कोविड का दौर चल रहा है, जिसके बाद अभी कुछ गाइडलाइंस के साथ जो है पूरा मार्केट ओपन किया गया। यहाँ पे किस तरह की मतलब सुरक्षा के एहतियात मतलब बरते जा रहे हैं, क्या बताओगे? हमारे यहाँ पर सैनिटाइज होता है रोज़ 2 टाइम, सवेरे में और शाम को, और दिन में भी 1 बार होता है सैनिटाइज। उसके बाद में हमारे जो वेटर स्टाफ है, जो भी सर्विंग स्टाफ है, वो पूरे मास्क लगा कर, आप देख रहे होंगे पूरा जो मास्क लगा कर ही सर्व कर रहे हैं यहाँ पर कोरोना का। और जो भी कस्टमर आते हैं, गेस्ट आते हैं हमारे पास में, जो गेस्ट आते हैं उनको हम सैनिटाइज देते हैं पहले, फिर अंदर लेते हैं उनका। तो आप भी यहाँ आइए और यहाँ का खाना ज़रूर टेस्ट कीजिए। कैमरा पर्सन माइकल रामपुरी के साथ मैं क्षिति जादेश हूँ, BCN News नागपुर।